खबर रीवा जिले से है, जहां सिमरिया तहसील में पदस्थ सेक्शन राइटर 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। सेक्शन राइटर रावीन शुक्ला के द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत पीड़ित के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त गोपाल सिंह धाकड़ को मिली थी। शिकायत की सत्यता की जांच करवाने के बाद आरोपी को 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाने के नाम पर राम प्रकाश साकेत नाम के युवक से आरोपी ने रिश्वत मांगी थी। ट्रैप कार्यवाही करने के बाद लोकायुक्त की टीम पूर्वा फॉरेस्ट हाउस ले गई, जहां आगे की कार्यवाही की गई है। ट्रैप कार्यवाही के संबंध में एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि शिकायतकर्ता से तहसीलदार के नाम पर रिश्वत मांगने की बात सामने आई है। उस मामले की भी जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक फरियादी हैं, राम प्रकाश साकेत हैं, एक ग्राम बर्रा के रहने वाले हैं सेमरिये के। उन्होंने जो है एक आवेदन दिया था, जो गरीबी रेखा के आने वाले जो बनते हैं वो तहसीलों में बनते हैं आवेदन, तो गरीबी रेखा का उसका एक कार्ड बनना था। उसके तहत जो सेमरिया तहसील है उसमें जो उनका बाबू है तहसीलदार का, रावेंद्र शुक्ला जो आरोपी हैं, उसके द्वारा फरियादी जो राम प्रकाश साकेत हैं उनसे 5000 रुपये की मांग की गई थी कि 5000 रुपये दे दें तो हम उसका राशन कार्ड गरीबी रेखा वाला बना देंगे। तो उसी एवज में इसने पैसे मांगे थे और उसका आवेदन भी पेंडिंग रख रखा था। 1000 रुपये इसने पहले ले लिए थे और 4000 रुपये आज लेते हुए लोकायुक्त रीवा के द्वारा उसको आज रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अभी सेमरिया में कार्रवाई चल रही है। बाबू के अलावा और किसी को पकड़ा गया? फरियादी ने जो कहना है कि उसमें बाबू ने बोला था उसको कि उसमें तहसीलदार साहब के आदेश से ही पैसे लेना है, तो उसकी तहसीलदार की भूमिका की भी हम इसमें जाँच कर रहे हैं। आगे जैसा एविडेंस आएगा वैसी कार्रवाई करेंगे।